रिजर्व ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे सकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। सकुमा एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट के बिजनेस में जब आप जाएंगे तो काफी जाना पहचाना नाम है और चर्चित स्टॉक है। ये काफी चर्चा में रहने वाला स्टॉक है क्योंकि शेयर प्राइस कम है, लेकिन स्टॉक पेनी स्टॉक नहीं है। इस पर आपको ध्यान देना है, तकरीबन 912 करोड़, इसको तकरीबन 1000 करोड़ की कंपनी मान लीजिए और एक स्मॉल कैप श्रेणी के लिस्ट में ये कंपनी आ जाती है। तो इसके बारे में चर्चा होगी, मैं बताऊंगा कि प्राइस में गिरावट क्यों देखने को मिल रहा है इन दिनों और ये तेजी इसमें फिर कब से बनेगी। देखिए, एक बात आपको समझना होगा कि ये जो ग्राउट देखने को मिल रहा है, दरअसल ग्राउट नहीं बल्कि करेक्शन हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में स्टॉक ने स्प्लिट और बोनस दिया था, तो स्प्लिट और बोनस देने के बाद ये कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो उसके बाद प्राइस में करेक्शन होता है, तो वही करेक्शन इसमें हो रहा है। आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों में से किसी व्यक्ति को इस कंपनी के बोनस शेयर्स मिले कि नहीं मिले, क्योंकि बोनस शेयर जो मिलना था मिल गया है और अपडेट भी हो गया है, तो अब जाके इसके प्राइस में तेजी आने वाली है। अब आपको एक बात समझना होगा कि ये जो प्राइस गिरा है ना कहीं लोगों को, नए लोगों को जो अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, उनको अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है कि अभी प्राइस गिरा हुआ है, गिरे हुए प्राइस उठा लीजिए और उसके बाद जब प्राइस बढ़ेगा तो आपको बेहतर कमाई का मौका मिलेगा। हम लोग सारी चीजों को डिटेल में आगे समझेंगे। चलिए पहले बीएस इंडेक्स वेबसाइट पर चलते हैं, जहां पे आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि इस स्टॉक में हुआ क्या और आगे क्या होने वाला है। देखिए, अपन लोग आ गए हैं बीएस इंडेक्स वेबसाइट पर। सकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनी को मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। स्टॉक में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, यानी कि एसएम या जीएसएम जैसी कैटेगरी में स्टॉक नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में लोअर सर्किट आपको लगते हुए पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। दरअसल जैसे मैंने बताया कि लोअर सर्किट आपको क्यों देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जब नीचे कॉर्पोरेट एक्शंस में आप पाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कंपनी ने भी हाल ही में यहाँ पे डिविडेंड और बोनस का अनाउंसमेंट किया था। ये देखिए, कंपनी ऐसी है ना, इस एक साल में कम से कम 2-3 कॉर्पोरेट एक्शंस तो होते ही होते हैं इस स्टॉक में। अभी आपको पता है कि अप्रैल में इसमें राइट इशू भी आया था, इस कंपनी का राइट इशू देखे यहाँ पे आया था अप्रैल मंथ में। राइट इशू के बाद तो जाहिर सी बात है प्राइस में एडजस्टमेंट हुआ, उसके बाद कंपनी ने डिविडेंड दिया और एक ऐसी छोटी सी तो नहीं है, दरअसल स्मॉल कैप श्रेणी कंपनी तो फिर भी छोटी है और ये डिविडेंड भी देती है। कमाल की बात ये है, और हर साल डिविडेंड दे, डिविडेंड भले ही कम दे लेकिन देती है, ये आपको बात समझना होगा। मतलब कोई भी जो कंपनी ठीक ठाक पैसा कमाती है तो जरूरी नहीं हर कंपनी डिविडेंड देती है, लेकिन यहाँ पे आपको डिविडेंड मिलता है भले 5 पैसा का ही क्यों ना मिलता हो। उसके बाद बोनस शेयर आया 4:1 का, यानी कि एक शेयर जिसके पास था उसको एक शेयर के बदले 4 और नए शेयर्स मिले, तो टोटल उसके पास 5 शेयर हो गए। तो ये सब कॉर्पोरेट एक्शन होने की वजह से प्राइस में गिरावट देखने को मिल रहा है और ये गिरावट अब लगभग अपने सपोर्ट लेवल के पास आ गया है। यहाँ से प्राइस अब ऊपर उठने की तैयारी करेगा, मैं आगे चार्ट पर इसके बारे में आपको अपडेट करूंगा। तो ये कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है जिसकी वजह से प्राइस में गिरावट देखने को मिल रहा है। एक बात आपको यहाँ पे समझना होगा कि कोई व्यक्ति अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो उसको जरूर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि इतने सारे कॉर्पोरेट एक्शन जो एक साल में होते हैं तो इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। अब देखिए, तो आप समझ गए सकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड में गिरावट क्यों देखने को मिल रहा है। आप समझते हैं कि गिरावट हो रहा है तो क्या हमें इस कंपनी में जो अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए उन्हें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए 2-3 बातों को ध्यान समझिए, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है और कंपनी का फ्यूचर कैसा है। यदि काम के बारे में बात करें तो बेसिकली कंपनी एक एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जैसे ये तो मैंने बताया। एक्सपोर्ट के अलावा कंपनी कमोडिटी में भी ट्रेडिंग करती है और साथ में विंड पावर के सेक्टर में भी कंपनी आपको कामकाज करती हुई नजर आएगी। 3 इस कंपनी के मेजर कह सकते हैं कि स्रोत है पैसे के, 3 सेक्टर में कंपनी काम करती है, विंड पावर, कमोडिटी और एक्सपोर्ट, और तीनों ही जबरदस्त सेक्टर हैं जिससे अच्छा खासा कंपनी को कमाई होता है। इस वजह से कंपनी का देखेंगे तो मार्केट कैप तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो काम के बिहार पर यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ग्रोथ रहेगा और आपके शेयर्स में कमाई होने का समय समय पर मौका मिलते रहेगा, कमाई होगी। और जैसे कॉर्पोरेट एक्सेस भी होते रहते हैं साल भर में 2-3 बार, तो इसका भी बेनिफिट आप इसमें ले सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक का अभी जो पी है 22 के आसपास, थोड़ा सा तो वैल्यूएशन वाइज महंगा है ये शेयर प्राइस, लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि इतने यहाँ तो इन स्टॉक में देखेंगे 100-100 के पी पे ये आपको करेक्ट प्राइस मिलते हुए दिखता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी ओवरऑल देखें तो ठीक है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 7.5% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है, यानी कि एक साल में इतना रिटर्न निकाल के ये जनरेट करके कंपनी आपको दे सकता है। चार्ट पर देखिए, एक साल का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ, यहाँ पे स्पष्ट दिखेगा कि जैसे जब बोनस कंपनी ने दिया तो बोनस के बाद प्राइस का एडजस्टमेंट होना था, तो यहीं से प्राइस का एडजस्टमेंट हो रहा है और प्राइस नीचे आ रहा है और ये अपने सपोर्ट लेवल के पास आ गया, यानी 6 रुपए के पास आ गया। यहाँ से प्राइस अब ऊपर उठने की तैयारी करेगा। तो आपको करना क्या है कि जैसे प्राइस इस रेंज बाउंड में आ जाए, रेंज बाउंड में आने के बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर सकते हैं, यानी कि 7 रुपए से ऊपर जैसे निकले यहाँ पे नए लोग एंट्री ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लीजिएगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस कहाँ से चलना शुरू हुआ था और कहाँ तक प्राइस इसका पहुंचा था, तो आगे भी ये आपको कमाई का मौका मिलते रहेगा। बस आपको ध्यान देना है कि 7 रुपए से जैसे ऊपर निकले यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि कंपनी में ओवरऑल काम काज फंडामेंटल सब चीज बढ़िया है,
यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी में तकरीबन 46% के आसपास हैं, जो कंपनी के मेन प्रमोटर्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको घबराना नहीं है, आप कंपनी के मालिक जिस कंपनी में हो उनके साथ बनके रहिए, आपको पैसा कमाने का उस कंपनी में मौका मिलेगा, क्योंकि कंपनी के जो मालिक है कभी नहीं चाहेंगी क्योंकि कंपनी का स्थिति जो डाउन हो। तो साकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के प्राइस में क्यों गिरावट आ रही है, कब तेजी आएगी, किस लेवल पर वो बाई कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। मन में कोई अन्य सवाल है तो आप उस कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।